नमस्कार। हिंदी भाषा में आज का विषय है देशी विदेशी। देशी शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अज्ञात व्युत्पत्ति, जिनका स्रोत अज्ञात है, जैसे कबड्डी, खोट, घपला, चंपत, चूहा, झुग्गी, पेड़ आदि। नंबर दो, ध्वनि व्युत्पत्ति, ध्वनियों के अनुकरण से बने हुए, जैसे खटखट, खड़खड़, टरटर, धमधम, भड़भड़, हिन हिन आदि। विदेशी शब्द अर्थात विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रचलित होकर प्रयुक्त होते हैं, जैसे अंग्रेजी, कंपनी, गेट, पुलिस, स्कूल आदि। अरबी, कागज, कानून, खराब, तकदीर आदि। फारसी, जमीन, दुकान, बाजार, मजबूर आदि। पुर्तगाली, कमीज, तौलिया, बाल्टी, मेज आदि। फ्रांसीसी, अंग्रेज, कारतूस, कूपन, लाम आदि। तुर्की, उर्दू, कैंची, चाकू, तोप आदि। रूसी, जार, रूबल, वोदका, स्पुतनिक आदि। पश्तो, अखरोट, गुंडा, पटाखा, पठान आदि। चीनी, चाय, चीकू, लीची आदि। जापानी, रिक्शा, सायोनारा आदि। धन्यवाद। शेष प्रश्न।